हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का बज रहा है 7:40 और हम लोग हैं अभी अपने पार्किंग में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी बसेस वगैरह सब खड़ी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ना सुबह सुबह ही बहुत सारे लोग यानी कि ये ग्राउंड में खेलने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पर ना टोटल यानी कि बस की ही पार्किंग है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लेके चलते हैं अपनी बस के पास में, और हमारी बस ना थोड़ा आगे के साइड में खड़ी हुई है, तो मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर डंफर वगैरह सब खड़े हुए हैं। और दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी, हम आ गए हैं अपने गाड़ी के पास में, और यहाँ पर आपको चलते हैं, दिखाते हैं हम आपके गाड़ी के अपने आगे का पूरा व्यू दिखाते हैं। और चलिए दोस्तों ये जो यहाँ के साइड से आपको ना एक डंफर जाते हुए दिखा ना, ये वाला ना, ये यहाँ पर इसका टायर पीछे का ना घूमने लगा, ये फंस गया है थोड़ा, और देखो अभी इसका आगे का टायर भी थोड़ा टेढ़ा है। तो दोस्तों ये रहा हमारे गाड़ी का आगे का लुक, जो कि बहुत ही यानी कि प्यारा लग रहा है, और मौसम भी यहाँ का बहुत ही अच्छा हो रखा है, क्योंकि सुबह से ही बारिश चल रही है। देखते हैं गाड़ी में कौन है। गाड़ी में मुकेश भाई हैं, मैं उनको यानी कि बुलाता हूँ। मुकेश दरवाजा खोलो ना, ये देखिए ये खोल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। ये देखिए दरवाजा हमारा खुल गया, और ये देखिए कड़ी लग गई। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी में, देखते हैं क्या क्या बना है क्या नहीं। दोस्तों मैं गया था पीछे वाले गाड़ी के पास में, एक मेरा टोप वहीं रह गया था, तो गया था लाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा अंडा और आलू दोनों यानी कि उबल चुका है, और यहाँ पर मुकेश भाई आलू को छील रहे हैं अंडा कढ़ी बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं हम। तो दोस्तों अभी देखिए अंडा छील के और आलू छील के रेडी हो चुका है, यहाँ पर हमने चावल चढ़ा दिया है, और टमाटर मिर्ची और प्याज ये सब कट के हो चुका है रेडी। तो देखिए दोस्तों हम अभी अंडे को ना थोड़ा यानी कि पिच कर रहे हैं इसको, ताकि यानी फ्राई करने के टाइम पे ना ये थोड़ा चिटकता है, तो ये चिटके ना, और या इसके अंदर जब अंडा कढ़ी बनाएंगे तो रसा भी आराम से चला जाएगा, तो स्वाद में जबरदस्त हो जाता है इसका। तो दोस्तों अभी देखिए हमारा यानी कि टोप में तेल डाल दिए हैं, और तेल भी एकदम लाल हो गया है, और हम इसमें डाल दिए अंडा। और दोस्तों अंडे को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसको। दोस्तों अंडा अगर फ्राई करके बनाते हैं ना, तो थोड़ा स्वाद अलग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हमारा जो अंडा हमने इसमें डाला था फ्राई करने के लिए, वो फ्राई हो चुका है, और हम इसको ना बाहर निकाल लेते हैं, और फिर हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। अभी अंडा तो फ्राई हो गया दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, और जीरा तेल गर्म है एकदम, तो फटक करके जीरा हो गया। फिर हम इसमें डाल देते हैं अपना ये कड़ी पत्ता हम डालेंगे इसमें। ये देखिए कड़ी पत्ता हमारा आ गया। दोस्तों कड़ी पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग कड़ी पत्ता ज़रूर यानी कि सब्जी में ऐड कीजिएगा, इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप YouTube पे भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों कड़ी पत्ता आ गया है, बाकी का हमारा अभी आ गया इसमें मिर्ची, और हम इसमें और ऐड करने वाले हैं प्याज। ये मिर्ची हो गया, मिर्ची भी अभी ऐड हो गया इसमें प्याज। तो दोस्तों अभी हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, हम ना इसको थोड़ा अच्छे से होने देते हैं, थोड़ा इसको चला देते हैं, और ये हमारा टमाटर जो है ना उसको थोड़ा बाद में डालेंगे हम, और प्याज को ना थोड़ा अच्छे से ब्राउन होने देते हैं, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा जो हमने प्याज डाला था वो ब्राउन हो चुका है एकदम, हम इसमें अब डाल रहे हैं टमाटर। ये देखिए हमारा टमाटर इसमें ऐड हो रहा है, ये टमाटर दोस्तों ऐड हो गया। दोस्तों हम ना इसको अच्छे से यानी कि मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। दोस्तों नमक क्या है ना कि नमक डालेंगे तो टमाटर जल्दी गल जाएगा, और एकदम पेस्ट का रूप ले लेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने थोड़ा यानी कि नमक पहले ही डाल दिया था, लगभग लगभग इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डाल दिया है,
थोड़ा सा कम पड़ेगा तो हम बाद में डाल देंगे, और इसको टमाटर डालने के बाद इसको ढक देंगे नमक डालने के बाद। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा टमाटर जो हम डाले थे ना वो पक के हो चुका है, एकदम रेडी, एकदम यानी कि पेस्ट जैसा बन गया है। और बाकी का आलू हम थोड़ा और उसको मींज लेते हैं, मींजने के बाद टोप में डाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आलू इसमें आ चुका है, और हम ना इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें अभी मसाला वगैरह नहीं डाले हैं, तो अभी मसाला वगैरह सब डाल देंगे। दोस्तों ये हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे अपना यानी कि नॉर्मल मसाला है, जिसमें धनिया मिर्ची वगैरह ये सब मिक्स है, और बाकी 2 चम्मच हम चिकन मसाला इसमें डाल देंगे। इसमें हमने चिकन मसाला डाल दिया है, फिर हमारा इसमें आ जाएगा हल्दी थोड़ा, यानी कि मसाला आ गया, फिर इसमें आ गया हल्दी, और थोड़ा सा हम ना हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा हम और नमक डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पर नमक कम डाला था, तो हमको ग्रेवी टाइप में बनाना है तो थोड़ा नमक की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसको ना अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, चला देंगे, और चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे पकड़े ना, और अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे मसाला की। तो दोस्तों अभी हमने इसको पका दिया है मसाला को, और हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं पानी, और अपने पानी आप लोग को उतना ही ऐड करना है जो हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने यानी कि अपने हिसाब से पानी डाल दिया है। दोस्तों अभी इसको ना हम ढक देंगे, इसको यानी कि पानी डालने के बाद पानी थोड़ा उबल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने ढक दिया है इसको पानी उबलने तक। तो दोस्तों अभी हमने ना पानी हमारा उबल गया था, हम इसमें डाल दिए हैं अंडा जो फ्राई करके रखे थे, वो अंडा हम इसमें डाल दिए हैं। अब ये ना थोड़ा टाइम के लिए 5-7 मिनट तक ये अच्छे से थोड़ा पक जाएगा, कि अंडे में जो होल वगैरह हम किए थे उसमें मस्त से ग्रेवी यानी कि सीज जाए, चली जाए। तो इसके लिए ना हम इसको 2-4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारी धनिया भी कट के रेडी हो चुके है, यहाँ पर यानी कि अंडा भी लगभग पक के हो चुका है रेडी, और हम इसमें ना अब ऐड करने वाले हैं धनिया। तो ये देखिए पक गया है एकदम, धनिया भी कट के रेडी ही है, बस इसमें यानी कि हम धनिया ऐड कर देंगे, फिर हमारा यानी कि अंडा करी बन के रेडी हो जाएगा। देखो हमारा धनिया पत्ता इसमें आ गया है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कलर भी मस्त आया है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम अंडा कड़ी उतार कर रख दिए हैं, तो अभी रोटी बनाना बाकी था, तो रोटी भी बन रहा है यहाँ पर, अंडा कड़ी यानी बन के रख उठा है, और यहाँ पर चावल भी बन गया है, और रोटी बन जाए बस हम लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी हमारा खाना हो चुका है चालू, आप लोग देख सकते हैं खाना यानी कि थाली में निकल गया है, और हम लोग यानी कि खाना खाने के लिए स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो